आतंकवादी के नाम से ट्रॉल हो रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री। उत्तराखंड से लौटते ही दिया ये जवाब, फरवरी में बागेश्वर धाम में एक यज्ञ का आयोजन होना है, इसी में संतों को निमंत्रित करने के लिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उत्तराखंड गए थे। वो पतंजलि योग पीठ के आचार्य बालकृष्ण से भी मिले थे। पिछले कुछ समय से विवादों में चल रहे बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री दिल्ली से लौट आए हैं। दिल्ली से वापसी पर खजुराहो एयरपोर्ट पर बागेश्वर धाम सरकार ने राजस्थान न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह यज्ञ बड़ा कार्यक्रम है, इसीलिए वो साधु संतों को निमंत्रण देने गए थे। बागेश्वर धाम सरकार से राजस्थान न्यूज संवाददाता ने जब यह सवाल पूछा कि आपके विरोधी आपको आतंकवादी बोल रहे हैं, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लोग बोलते रहे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सनातन धर्म के नए पोस्टर बॉय बन रहे हैं, तो इस सवाल पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और केवल इतना ही कहा, सीताराम, फरवरी में बागेश्वर धाम में एक यज्ञ का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में संतों को निमंत्रण देने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उत्तराखंड गए थे। उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ के आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात की थी। उन्होंने 27 जनवरी को जारी एक वीडियो संदेश में कहा था कि आज 27 तारीख है और हम यात्रा पर निकले हैं। हम 2-3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों की कृपा से और सन्यासी बाबा की कृपा से जो यह होने जा रहा है, उसमें सभी स्थानों के तीर्थों के संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। हम बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। हिमालय की दिव्य भूमि और उत्तराखंड के क्षेत्र जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा के स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर हम सभी संतों को आमंत्रण दे रहे हैं। हम बहुत जल्द बागेश्वर धाम आएंगे। आप सभी इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान न्यूज। हर झूठ का होगा पर्दाफाश। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान न्यूज 365।